मैंने अक्सर बहुत टैलेंटेड लीडर को डीफोकस होते हुए देखा है, बड़े बड़े लीडर को, इवन फर्स्ट रो वाले लीडर को भी और सेकंड रो वाले लीडर्स को भी, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, कई बार महीने में 2-4-5 दिन वो भी डीफोकस हो जाते हैं। जिस दिन आपने फोकस तरीके से काम करना शुरू कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत आपको ना हिला पाए। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक पेंटर का एग्जाम्पल था कि एक पेंटर अपनी पेंटिंग में 72 आवर्स इतने ज्यादा उसमें मशगूल रहते हैं कि उनके आसपास लोग रहते हैं, पेंटिंग देखते हैं, लेकिन वो नजरें उठा के किसी की तरफ नहीं देखते। मेरे घर वाले बहुत बार मेरे से कई सारी जब बातें करते हैं फिर पूछते हैं, अभी हमने क्या बोला था? मैं कहता हूं मुझे तो याद ही नहीं। वो कहते हैं कि इसके कान से बात इधर भी नहीं जाती, वो वहीं गिर जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा मैं फोकस्ड हूं अपनी लाइफ को लेके, अपने आगे गोल को लेके। जब तक आप फोकस्ड नहीं होगे, आपने बाली साहब को भी देखा कि क्या वेस्टेज को करना है, वो कितने फोकस्ड है। तो हमें अपना फोकस बहुत ज्यादा बना के रखना है। हम कैमरे में भी अच्छी पिक्चर लेने के लिए क्या करते हैं? फोकस करते हैं ना। तो जब लाइफ की भी अच्छी पिक्चर आपको लेनी है तो अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, और आपके फोकस को कोई बैनरी टैनरी ये वो नौकरी वाला कोई भी ना हिला पाए। या तो आपको इस काम पे विश्वास 100% है या तो नहीं है। अगर एक बार आपने विश्वास कर लिया कि यही वो बिजनेस है, यही वो टीम है जो मेरे सपने पूरे कर सकती है, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं होनी चाहिए जो आपका फोकस बिगाड़ दे। या तो आपके विश्वास में कमी है, अगर एक बार विश्वास कर लिया तो फिर वो कल की कहावत है कि मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। तो वो फोकस हमें लेके आना है।